दोस्तों आप देख रहे हैं नेटवर्क 33। मैं आपका दोस्त राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। घर की माली हालत खराब होने के कारण काम की तलाश में दीनू अपने गाँव से ऋषिकेश आ जाता है, जहां उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल गया, साथ ही रहने के लिए एक जुग्गी भी। दीनू दिखने में बहुत ही सुंदर था, गोरा रंग और ऊंचा लंबा कद कुल मिलाकर किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। उसे ऋषिकेश में काम करते हुए एक हफ्ता बीत चुका था और इस दौरान दीनू ने अपने फ्रेंडली स्वभाव के कारण कई दोस्त भी बना लिए थे। अब वह बहुत ही खुश था, उसका काम में मन भी लग रहा था। एक दिन दीनू ने नोटिस किया कि एक लड़की उसका पीछा करती है, मतलब कि लगभग हर जगह नजर आ जाती है। दीनू की कई बार उस लड़की की नजरों से नजर मिली मगर कोई बात नहीं बनी। मगर दीनू मन ही मन उस लड़की से बात करना चाहता था मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक शाम जब दीनू चाय की दुकान से चाय पीकर अपनी जुग्गी लौट रहा था, तभी वह लड़की उसे छूकर निकल गई। दीनू बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि ये एक इशारा है उसका, ये सोचकर कि कल उसे अपने दिल की बात कह देगा, और वो यह सोचकर अपने घर आ जाता है। रात का खाना खाके अब दीनू सो जाता है। जब सुबह होती है तो दीनू को बहुत तेज बुखार होता है, साथ ही पूरा बदन दर्द कर रहा होता है, लिहाजा वह काम पे नहीं जा पाता। उसके दोस्त उसे दवा दिलवा लाते हैं। इसी तरह दो दिन बीत जाते हैं, दीनू अभी भी बीमार ही था। रात के करीब 12 ही बजे होंगे कि कोई दीनू के घर का दरवाजा खटखटाता है। जब दीनू दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वही लड़की हाथों में फल लिए सामने खड़ी है। दीनू एकदम से हैरान हो गया कि ये इतनी रात गए यहाँ कैसे आई। तभी उस लड़की ने बोला, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ हाँ अंदर आओ ना। दीनू को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो सिर्फ उस लड़की को एक टक देखते ही जा रहा था। उस लड़की ने पूछा कि अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? दीनू ने जवाब देते हुए बोला, अभी उतना ठीक नहीं है, मगर तुम बताओ तुम यहाँ कैसे, वो भी इतने रात गए। उस पर उस लड़की ने कहा कि वो पिछले दो दिनों से तुम दिखे नहीं, जब मैंने तुम्हारे दोस्त केशव से बात की तो उसने बताया कि तुम बीमार हो, मुझे चिंता होने लग गई, मैंने तुम्हारा पता पूछा और तुम्हें देखने आ गई। दीनू को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात कह दी। फिर कुछ देर बाद वो लड़की चली गई यह कहकर कि कल फिर आऊंगी मगर तुम अपना ध्यान रखना। दीनू की तबीयत रात भर में और खराब हो जाती है। अगले दिन फिर उसके दोस्त उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं मगर डॉक्टर फिर दवा देकर उसे भेज देता है। दीनू की तबीयत खराब हुए एक हफ्ता बीत चुका था। उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय और खराब होती जा रही थी। अब दीनू काफी कमजोर हो गया था, चेहरा पीला पड़ गया था, उसे देखने पर लगता था कि किसी ने उसकी खूबसूरती ही छीन ली हो। अब दीनू को उस लड़की का ही सहारा था, जो कि दूसरे दिन से रात के समय उससे मिलने आती थी और साथ में खाने पीने का सामान भी लाती थी। अगले ही दिन मोहल्ले में एक यज्ञ का आयोजन की तैयारी शुरू होती है, जिसके अनुसार जहां यज्ञ होना है उसके लगभग 200 मीटर तक की जगह को शुद्ध किया गया और अभिमंत्रित भी, ताकि यज्ञ में कोई अड़चन पैदा ना हो सके। दीनू की जुग्गी यानी घर वहीं यज्ञ स्थली के समीप था। यज्ञ 7 दिन चलने वाला था। इस यज्ञ में बहुत लोग आए और यज्ञ सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। यज्ञ के पहले ही दिन से अचानक ही दीनू की तबीयत असाधारण तौर पर सुधरने लगी थी, मगर एक बात को लेकर उदास था कि वह लड़की उस दिन से उसे मिलने के लिए नहीं आई। अचानक ही दीनू को याद आता है कि उसने बातों बातों में बताया था कि दक्षिण की ओर जो होटल है उसके पीछे जो मकान है वो उसी घर में रहती है। दीनू इससे पहले कभी उस तरफ नहीं गया था।
जब दीनू उस जगह पहुंचता है जहां पर वो लड़की अपने रहने की बात कह रही थी, दीनू को वहां एक वीरान घर नजर आता है जो दिन के उजालों में भी बहुत डरावना लग रहा था। फिर दीनू की नजर पास ही लगे एक चेतावनी नोटिस बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा था, प्रेत बाधित घर, अंदर जाना सख्त मना है। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो लड़की इसी घर की बात करती थी। तभी दीनू ने वहीं के स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उस घर में पहले कभी सात डायन रहा करती थी, जो सातों ही बेहद खूबसूरत थी जिस वजह से मर्द उन पर फिदा हो जाते थे और धीरे धीरे वो डायन मर्दों का खून पी जाती थी और कुछ समय बाद उन मर्दों की मौत हो जाती थी। जब गांव वालों को पता चला तो सब लोगों ने उस घर पर हमला कर दिया जिसमें से सात में छह डायनों को जलाकर मार दिया गया, मगर एक बच गई। वो तब से अभी तक किसी को नजर नहीं आई। दीनू ये सुनकर सोच में पड़ गया और बीती बातें याद करने लगा। फिर उसे याद आता है कि जब वह लड़की पहली बार उसे छूकर गुजरी थी उसी रात अचानक से वह बीमार पड़ गया और फिर उसी रात वो उससे मिलने आई। इलाज करवाने के बावजूद उसकी तबीयत खराब होती चली गई, मगर जब से यज्ञ शुरू हुआ उसने आना बंद कर दिया। साथ ही उसकी तबीयत भी ठीक होनी शुरू हो गई थी। अब तक दीनू को समझ में आ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि वही डायन है, मगर दीनू को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अब तक रात हो चुकी थी। दीनू अपनी झुग्गी में वापस आ गया और सोचा कि कल गांव के पंडित के पास जाके सलाह लूंगा। दीनू खाना खा के सो जाता है। रात के तकरीबन 1:30 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक सुनकर दीनू बुरी तरह डर जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि ये वही डायन है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, तभी उसने अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोला और वही लड़की हाथों में फल लिए खड़ी थी। दीनू बोला, तुम? हाँ मैं। वो क्या है कि किसी काम के कारण मैं बाहर गई हुई थी जिस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई, मगर अब रोज आऊंगी। दीनू अंदर ही अंदर बहुत ही डरा हुआ था, मगर अपने आप को अच्छे से संभाले हुए था। फिर कुछ देर बाद वो लड़की वहां से चली गई यह कहकर कि कल फिर आऊंगी और अपने साथ तुम्हें भी ले जाऊंगी। सुबह होते होते दीनू फिर से बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसकी हालत पहले जैसी हो गई। उसके दोस्त आए, दीनू ने सारी बात बताई। दीनू के दोस्त दीनू को स्थानीय पंडित के पास ले गए और सारा हाल सुनाया। तभी पंडित जी ने अपनी साधना से पता लगाया कि ये वही डायन है जो हमेशा जवान रहने के लिए मर्दों का शिकार करती है। पंडित ने कहा कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी अगर तुम यहाँ रहोगे तो। तुम जल्द से जल्द ऋषिकेश छोड़कर चले जाओ। यह कहकर तभी पंडित जी ने दीनू की कलाई पर एक अभिमंत्रित धागा बांध दिया। रात होने से पहले पहले अगर तुम डायन की सीमा से निकल गए तो तुम बच जाओगे, नहीं तो उसके कहे अनुसार वो तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगी। उसी वक्त उसके दोस्तों ने गाड़ी बुक की और वहां से निकल गए। रात होने से पहले वो ऋषिकेश से बाहर निकल गए। साथ ही दीनू की तबीयत भी अब ठीक ठाक होने लगी थी और दीनू बच गया और वो कभी ऋषिकेश नहीं गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, नेटवर्क 33 ऐसी किसी भी घटना का सत्य होने का दावा नहीं करता। दर्शक केवल इसे मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।